हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जस्ट टू नो चैनल। डियर फ्रेंड्स, मैं अमनदीप कौर लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन। मुझे पता है कि हम सब क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम करें, पार्ट टाइम जॉब करें, ताकि हमारा साइड बाय साइड जो है वो हमारा जो भी हमारा पेमेंट होती है वो आती रहे और किसी न किसी तरीके हमारे खर्चे निकलते रहें। तो यहाँ पे मुझे पता है कि आप गूगल पे सर्च करते होंगे वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब या फिर मेक मनी ऑनलाइन, कुछ भी आप सर्च करते हो आपके पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स वहाँ पे आ जाती होंगी गूगल पे, जिस पर आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ, मैं ये वर्क कर लेता हूँ, डेटा फिलिंग का वर्क है, रेज्यूमे फिलिंग का वर्क है, या फिर कैप्चा फिलिंग का वर्क है, किसी तरह का भी वर्क है। या आप सोच लेते हो कि मुझे टावर इंस्टॉलेशन करवा लेता हूँ ताकि वहाँ पर मेरा खर्चा निकलता रहे। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँ, गूगल पे जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो जेन्युइन नहीं होती, आपको उसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन सर्च करनी पड़ती है। करनी कहाँ से होती है, वो भी गूगल से सर्च करनी होती है, या फिर इधर उधर से जो यूट्यूब से वीडियोस होती हैं वहां से सर्च करनी पड़ती है। अगर आप सर्च नहीं करते तो आप फंस जाते हो एक फ्रॉड वर्क में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है, मैंने नियर अबाउट 300 के नज़दीक मैंने फ्रॉड कंपनीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो भी मेरे पहले की वीडियोस हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके बहुत सी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको अलर्ट हो सकते हो कि हाँ, हमें ये वर्क करना है और ये वर्क नहीं करना। तो यहाँ पे मैं ऑफर करूंगी कि आपको ऑफलाइन वर्क ही करना चाहिए। आपको ऑनलाइन वर्क अगर पता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंपनी की पता है, तभी आप वर्क कीजिए, अदरवाइज आपको प्रेफर करना चाहिए ऑफलाइन वर्क। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो आप ऑनलाइन जो रेज्यूमे फिल करने की इन्फॉर्मेशन देखते हो कि मैम ये तो आप देखते हो, मैंने ये देखा, एक कंपनी का नाम बताया मुझे कैंडिडेट ने, वो थी resumefilling.com थी, एक थी resumebiz.com, इस नाम से थी। जो resumebiz राम की कंपनी नाम से थी वो बिल्कुल जेन्युइन लग रही थी, लेकिन देखने को तो वो बिल्कुल जेन्युइन लग रही थी, गूगल पे भी शो हो रहा था, लेकिन जब उसके रिव्यूज देखे, कंप्लीट डिटेल में जाके देखे गूगल पे, तो वो फ्रॉड निकली। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर आप कहते हो कि ये वेबसाइट तो है गूगल पे, जब आप सर्च करते हो आपको जेन्युइन लगती है, लेकिन होती क्या वो एक्चुअली में, वो फ्रॉड होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको कोई वर्क करना है, प्रेफरेंस तो मैं दूंगी ऑफलाइन वर्क को। दूसरी बात, अगर कोई आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यूट्यूब हैं आपके लिए, यूट्यूब पे चैनल बनाओ जिसपे आपको पता हो कि मुझे ये वर्क करना है, कंटिन्यू उसी वर्क पे वो जो है वीडियोस बनाते रहो, आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, किसी एक दिन जरूर होगी। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप कोई चाहते हो कि मेरे कोई स्किल्स ना लगे और मुझे पेमेंट आती रहे, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? स्किल्स तो लगानी ही पड़ेगी, अगर आप में स्किल है तभी आप कुछ अर्न कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। रिज्यूमे फिल का क्या है, वहां से इन्फॉर्मेशन उठाई, वहां पे फिल कर दी, इसमें कौन सी हमारी कौन सी कोई लगी, हमारी कोई स्किल कोई नहीं लगी। डेटा कैप्चा फिलिंग का वर्क हो गया, डेटा एंट्री का वर्क हो गया, ऐसे वर्क क्या है ये, ऐसे वर्क में आप रिस्क मत लो। अगर आपको किसी जेन्युइन वर्क का पता है तो आप कर सकते हो। अगर आप कहते हो गूगल पे ये साइट है, ये वेबसाइट वर्क कर रही है, ये मतलब कि जेन्युइन होगी, अपने वे से उसको जेन्युइन मत बनाओ, उसकी पहले सर्चिंग करो, गूगल पे देखो, यूट्यूब पे देखो, कुछ वीडियोस देखो, तभी आपको पता चलेगा कि वो फ्रॉड है फिर जेन्युइन है। और एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं, अगर जैसे आप वर्क कर देते हो, डन हो जाता है आपका वर्क, उसके बाद पेनल्टी लगाने लगती है, जैसे पेनल्टी लगने स्टार्ट हो जाती है, दैट मीन्स वो फ्रॉड है, उसको पेमेंट मत देनी ही नहीं, डरना भी नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं। अगर वो केस करते हैं उनको बोलो कर दो, जो भी आपके मन में आए बोलो, उनको उल्टा बोल दो। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन का पता चलता है, कोई और वे से आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप मुझे यहाँ पे कमेंट में बताइए, ताकि हम लोग दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी बच सके, फ्रॉड में ना फंसे। तो यहाँ पे मैं यही बताने आई थी कि रेज्यूमे फिल की भी जो साइट्स होती है, आपको फ्रॉड आपको जेन्युइन लगती है, लेकिन वो होती क्या है, एक्चुअल में फ्रॉड होती है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप अपने जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करो, ताकि कोई भी इनके झांसे में मत फंसे। और मैं यहाँ पे आपको कमेंट्स ऐसे दिखाऊंगी जो कि सीरियसली बहुत ही हार्ट टचिंग कमेंट होते हैं कि हाँ मैडम, मेरे घर पे इतनी बुरी हालत, मैं अपने
मतलब अपनी माता का इलाज नहीं करवा पा रहा, लेकिन फिर भी मुझे उनको पेमेंट देनी पड़ रही है। ऐसे ऐसे कुछ मतलब हैं, कोई तो सुसाइड कर बैठा इनके चक्रों में आके। अगर आप ऐसी वीडियोस जो हैं ये जो अलर्ट करोगे लोगों को, तभी ये जो है ये वर्क जो है उनका जो है ये स्टॉप होगा, अदरवाइज ये तो वर्क स्प्रेड होता रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आप उनके मतलब कि फ्रॉड हो रहा है आपके साथ वो फोन पे लगे हुए हैं, आप उनके साथ फोन पे बातें करते रहो, किसी ना किसी तरीके बहाने से बातें करते रहो, ताकि वो बंदा जो है किसी और को ना फंसा सके उतनी देर में। अगर आप किसी और का भला चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ किसी का बुरा ना हो, एक तो वीडियो को भी शेयर कर दो ताकि कोई अलर्ट हो। दूसरी बात, उन बंदों का जरूर आप जो है टाइम वेस्ट करो, ताकि उनको लगे कि मैंने किस बंदे से मतलब पंगा ले लिया, इससे अच्छा मैं और किसी से बात करता तो मेरी इतने पेमेंट आ जाती। तो अलर्ट करिए सबको, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और मैं मोटिवेट होती रहूं और आपके साथ अपने एक्सपीरियंस या फिर किसी के भी मुझे एक्सपीरियंस मिलते हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू सो मच।